लिवरमोर एक स्मॉल टाउन है विच इज सिचुएटेड 40 माइल्स आउटसाइड सैन फ्रांसिस्को। वहां की मेन स्ट्रीट पे एक फायर स्टेशन है और उसकी वॉल पे देर इज वन थिंग जिस पे लिवरमोर के रेजिडेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं, अ येलो लाइट बल्ब। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो क्या ही होगा इस बल्ब में, बट अनलाइक एनी अदर लाइट बल्ब ऑन अर्थ दिस बल्ब हैज नॉट स्टॉप्ड वर्किंग फॉर 121 ईयर्स। यस 121। पर ये कैसे पॉसिबल है कि ये बल्ब 100 ईयर से ज्यादा चल चुका है, बट ऑन दी अदर हैंड द बल्ब्स इन आवर हाउसेस डोंट इवन लास्ट फॉर मोर देन 6 मंथ्स। वेल इन दिस वीडियो दैट्स व्हाट वी आंसर फॉर यू। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लाइट बल्ब। यू थिंक एनीबॉडी वुड सिंग हैप्पी बर्थडे टू अ लाइट बल्ब? वेल वी डिडंट थिंक दे वुड बट दे डिड। A much bigger secret is how the humble light bulb became the first victim of planned obsolescence, the secret mechanism at the heart of our consumer society. Planned obsolescence, the desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little sooner than is necessary. Hey guys, welcome to Learner's Lounge. I'm Inder Kapoor और आज के एपिसोड में हम कॉर्पोरेट्स की ऐसी कॉन्स्पिरेसी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने ना ही सिर्फ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को रिड्यूस किया पर कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करके हमें उन प्रोडक्ट से हुक्ड भी रखा एंड इन द प्रोसेस मेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर द कंपनी। द 121 ईयर ओल्ड बल्ब वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय शेल्बी इलेक्ट्रिक कंपनी इन 1901 एंड विद इन द मिस्ट्री ऑफ दिस बल्ब लाइज द ग्रेटेस्ट सीक्रेट ऑफ कंज्यूमरिज्म। 1989 में कम्युनिज्म के कलाप्स होने के बाद जर्मनी वॉज इन अटर क्लॉस। आफ्टर द फॉल ऑफ द ग्रेट बर्लिन वॉल पीपल ऑन बोथ साइड्स ऑफ जर्मनी वर क्लाइंबिंग बैक एंड फोर्थ टू मीट देयर लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव्स। और इसी बीच एक हिस्टोरियन हेलमट हर्जर बल्ब की एक बहुत बड़ी कंपनी कॉल्ड ओजरम के हेडक्वार्टर्स में सीक्रेटली एंटर करते हैं। अंदर जाके वो देखते हैं दैट द हेडक्वार्टर्स वाज पैक्ड विद डस्टी फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज इफ नोबडी हैड विजिटेड द प्लेस इन अ लॉन्ग टाइम। स्लोली वो इन फाइल्स को पढ़ने लगते हैं और तभी उन्हें एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट मिलता है। द डॉक्यूमेंट हैड नोट्स ऑफ अ सीक्रेट मीटिंग दैट वॉज हेल्ड इन जिनीवा इन 1932 बिटवीन ओजरम and the four other largest electric companies in the world. इस मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया that was going to change the course of history in ways nobody could have ever thought. उस दिन वर्ल्ड की five biggest companies ने साथ मिलकर एक सीक्रेट कार्टल बनाया that was named Phoebus. और इस कार्टल का सिर्फ एक एम था, to put anyone out of business who created a light bulb that lasted for more than 6 months. इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के इनिशियल ईयर्स में देर वर अ लॉट ऑफ स्मॉल लाइट बल्ब मैन्युफैक्चरर्स, बट स्लोली कुछ फर्म्स ने स्मॉलर फर्म्स को बाय आउट करके मार्केट को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। बाय द नेक्स्ट डेकेड देर वर ओनली अ फ्यू इलेक्ट्रिक कंपनीज लेफ्ट इन द वर्ल्ड, ईच डोमिनेंट इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट अर्ली 1920s में कुछ ऐसा हुआ दैट शूक द वेरी फाउंडेशंस ऑफ दीज कंपनीज। इन द ईयर 1923 ओजरम इलेक्ट्रिक ने 63 मिलियन लाइट बल्ब सेल किए, लेकिन नेक्स्ट ईयर दे कुड ओनली सेल 28 मिलियन बल्ब्स। नाउ दैट इज अ ह्यूज डिप। पर ऐसा हुआ क्यों? एन ऑब्वियस रीजन कुड बी कि ओजरम के बल्ब्स की क्वालिटी शायद खराब हो रही होगी, बट इंटरेस्टिंगली रीजन ये नहीं था दैट द क्वालिटी वॉज बैड। Instead, the real reason was that the quality was too good. Osram जैसी companies आज इतनी बड़ी इसलिए थी because इन companies ने bulb manufacturing को इतना develop कर दिया that it increased the lifespan of bulbs exponentially. लेकिन इन companies की सबसे बड़ी strength इनकी weakness बन गई and started threatening their existence. क्योंकि bulb का lifespan बढ़ने की वजह से उनकी demand कम होने लगी जिससे ओजरम जैसी कंपनीज की सेल्स गिरने लगी। एंड दिस इज व्हाई द फीबस कार्टल डिसाइडेड टू शॉर्टन द लाइफ स्पैन ऑफ देयर बल्ब्स टू जस्ट 6 मंथ्स। और अगर किसी कंपनी ने इस प्लान पे स्टिक नहीं किया तो डील के अकॉर्डिंग उस कंपनी पर हैवी फाइंस इम्पोज किए जाएंगे। बट द इम्पैक्ट ऑफ दिस कार्टल वॉज नॉट जस्ट लिमिटेड टू लाइट बल्ब्स। दीज कंपनीज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न लाइफ, स्ट्रीट लाइट्स फॉर रोड्स, कॉपर वायर्स फॉर फोन लाइन्स, केबल्स फॉर शिप्स एक्सेट्रा। नॉट ओनली दिस,
बट ये कंपनीज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे रेफ्रिजरेटर्स, ओवंस, टीवीज सब प्रोड्यूस करती थी एंड फ्रॉम 1932 ऑनवर्ड्स इट वॉज ऑल मेड टू ब्रेक. द सेम इंजीनियर्स जो पहले बल्ब के लाइफ स्पैन को एक्सटेंड करने के लिए वर्क कर रहे थे सडनली स्टार्टेड लुकिंग फॉर वेज टू डिक्रीज इट्स लाइफ स्पैन. उन्होंने डिफरेंट मटेरियल और फिलामेंट्स को ट्राई किया एंड इवेंचुअली बिकेम सक्सेसफुल. कार्टल बनने के कुछ टाइम बाद से ही द लाइफ स्पैन ऑफ द बल्ब्स स्टेडिली डिक्रीज एंड जस्ट एज दे हैड प्लान्ड द सेल्स ऑफ द कार्टल मेंबर्स ज़ूम्ड ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. पर क्या लोगों को पता था दैट दीज कंपनीज आर कंस्पायरिंग टुगेदर टू मेक द प्रोडक्ट्स वर्स? ऑफ कोर्स नॉट. फीबस कार्टल ने हमेशा यही क्लेम किया कि इनकी मीटिंग्स का पर्पस वॉज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बल्ब मैन्युफैक्चरिंग. लेकिन द अल्टीरियर मोटिव ऑफ दिस कार्टल वॉज टू इंक्रीज देयर ओन सेल्स एंड देयर फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स. वाइल इनिशियली ये प्लान किया गया था कि फीबस कार्टल वुड लास्ट अंटिल 1955, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के आउटब्रेक के बाद ये कंपनी स्ट्रगल करने लगी और इनमें से कुछ मेंबर्स ने चीट करना स्टार्ट कर दिया एंड सो द कार्टल फेल अपार्ट. उस दिन फीबस कार्टल तो खत्म हो गया लेकिन उनका मेथड आज तक चल रहा है और इस मेथड को हम मॉडर्न टाइम्स में प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं. बट द क्वेश्चन इज कि क्या फीबस कार्टल ने जो किया वो बिल्कुल गलत था? वेल मे बी नॉट. इन द ईयर 1932 द वर्ल्ड वॉज गोइंग थ्रू द ग्रेट डिप्रेशन और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी. आफ्टर द ग्रेट स्टॉक मार्केट क्रैश ऑफ 1929, मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स हैड लॉस्ट देयर एंटायर सेविंग्स. पीपल हैड बिकम सो फियरफुल दैट नोबडी वाज विलिंग टू स्पेंड और बाय प्रोडक्ट्स. इस सब की वजह से कंपनीज को अपनी प्रोडक्शन बंद करनी पड़ी एंड दे स्टार्टेड मेकिंग लॉसेस. कॉन्सिक्वेंटली मिलियंस ऑफ वर्कर्स वर लूजिंग देयर जॉब्स एंड सो समथिंग हैड टू बी डन टू रिवाइव द ड्राउनिंग वर्ल्ड. और इकोनॉमिक रिकवरी के लिए प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ाना वॉज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. दिस इज वेयर फीबस कार्टल्स मेथड प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस केम इन. इट प्रॉमिस्ड टू कीप पीपल बाइंग. इंटरेस्टिंगली बेस्ड ऑन दिस वेरी फैक्ट 1951 में एक ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी बनी कॉल्ड द मैन इन द व्हाइट सूट. द मूवी शोड अ साइंटिस्ट हु एक्सीडेंटली इन्वेंटेड अ मिराकुलस फाइबर जिसकी स्पेशलिटी ये थी कि उस पे कभी ना कोई चेन लगेगा और ना ही वो ब्रेक या फ्रे होगा. मतलब इट हैड ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ परफेक्ट क्लॉथ. इस रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन के बाद द साइंटिस्ट एक्सपेक्टेड टू बी रिवॉर्डेड विद अपलॉड्स और इवन विद अ नोबेल प्राइज. बट वाइल इनिशियली इस साइंटिस्ट को प्रेस किया गया, स्लोली थिंग्स रिवर्स्ड. थोड़े ही टाइम बाद फैक्ट्री ओनर्स को ये रियलाइज हुआ कि ये फाइबर इतना ड्यूरेबल है कि अगर इसे एक बार किसी ने बाय कर लिया तो उसे काफी टाइम तक वापस क्लोथ्स बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. But if this stuff never wears out, we'll only have one lot to make. और अगर लोग बाय नहीं करेंगे तो द फैक्ट्री ओनर्स वुड मेक लॉसेस एंड द लेबरर्स वुड लूज देयर जॉब्स. तो इन लेबरर्स और फैक्ट्री ओनर्स ने गैंग अप किया एंड डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय द साइंटिस्ट एंड हिज इन्वेंशन. ये था प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस. लेकिन अब दिस मेथड वॉज गोइंग टू बी टेकन टू अ होल न्यू लेवल. वट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ इज समथिंग दैट मेसेस अप विद योर ब्रेन इन ऑर्डर टू कीप यू बाइंग. सो यू बेटर कीप लिसनिंग. Alfred Sloan 30 years तक General Motors के CEO रहे, but despite being an effective boss, General Motors almost always remained behind the giant of the car industry, Henry Ford's Ford Motor Company. Henry Ford was the person जो पहली बार automobile industry में assembly line जैसा revolution लाए, with his Model T in 1908. His simple aim was to create cars that never go obsolete. लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया, ऐसे प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम ये होती है दैट वंस अ डिसेंट सेट ऑफ पीपल बाय द प्रोडक्ट, सेल्स स्टॉप इंक्रीजिंग एनी फर्दर. और फोर्ड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. दैट इज व्हेन अल्फ्रेड स्लोन न्यू दैट समथिंग हैड टू चेंज एंड फाइनली इन 1956 ही केम अप विद अ ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया. स्लोन ने कार इंडस्ट्री में एक अपग्रेड कल्चर इंट्रोड्यूस किया. ये प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस का एक नया वर्जन था जहां इंस्टेड ऑफ इंटेंशनली रिड्यूसिंग द लाइफ स्पैन ऑफ कार्स, उन्होंने एक साइकोलॉजिकल ट्रिक पे काम करना स्टार्ट किया जिससे कंज्यूमर्स खुद अपने प्रोडक्ट को ऑब्सोलीट मान के नए प्रोडक्ट्स बाय करने लगेंगे. स्लोन कॉल्ड इट इंजीनियर्ड डिससेटिस्फैक्शन.
that is to engineer dissatisfaction within the consumers. His idea was ke car ke new model mein changes itne attractive hone chahiye ki consumer apni purani car se khud hi dissatisfied feel karne lage. And the changes have to be quick, say in every 1 year or 6 months. But the thing about technological innovation is that it happens slowly. Every year, ek aisi technology banana jo purane model ko obsolete kar de is almost impossible. And thus, Sloan ne car ki technology pe nahi, balki uski looks pe focus kiya. Unhone car ke engine ko to same rakha, par uske exterior ko improve karne lage. He launched the cars in different colors. वो कार को एक एक्सेसरी बनाना चाहते थे जो कंज्यूमर के न्यू आउटफिट या हैंडबैग से मैच करे. स्लोन कम्प्लीटली चेंज द वे द गेम वॉज प्लेड बाई टर्निंग द कार डिजाइनर्स इंटू फैशन डिजाइनर्स. स्लोली जनरल मोटर्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल US व्हीकल्स केम फ्रॉम दिस वेरी कंपनी. और आज ये ट्रिक वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज एप्पल भी यूज करती है. एवरी ईयर समवेयर अराउंड सेप्टेम्बर एप्पल अपना नया आईफोन लॉन्च करता है एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टैंड इन लॉन्ग लाइन्स आउटसाइड एप्पल शोरूम्स जस्ट टू बी वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव बॉट द लेटेस्ट मॉडल. लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि ऐसा क्या है इस मॉडल में जो पुराने मॉडल में नहीं है, तो शायद आपको आंसर में यही मिले दैट द कैमरास आर प्लेस्ड डायगोनली नाउ या इट कम्स इन 6 डिफरेंट कलर्स और द एजेस आर कर्व्ड एटसेट्रा. सो मिनिमल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड मैक्सिमम चेंज इन अपीयरेंस. दिस इज अ वेरी फेमस मीम जो हर साल एप्पल के नए प्रोडक्ट लॉन्च पे बनाया जाता है एंड इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट कंज्यूमर्स आर समवेयर अवेयर ऑफ दिस इंजीनियर्ड डिससैटिस्फैक्शन. लेकिन फिर भी वी ऑल हैव द अर्ज टू बाय द लेटेस्ट डिस्पाइट नोइंग कि अगले ही साल इट वुड गो ऑब्सोलीट. ये अपग्रेड कल्चर सिर्फ प्रोडक्ट्स में नहीं बल्कि हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन में भी इनग्रेन्ड है. चार्ल्स डार्विन की मोस्ट फेमस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी भी यही कहती है दैट ह्यूमंस इसलिए सर्वाइव कर पाए बिकॉज़ दे केप्ट अपग्रेडिंग देमसेल्व्स. हर साल वी वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, हैव बेटर फिजिक, बेटर हाउस, बेटर कार एंड द लिस्ट नेवर स्टॉप्स. और इसीलिए जैसे ही हम एक नया प्रोडक्ट बाय करते हैं इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ प्लेजर एंड अकम्प्लिशमेंट. वी स्टार्ट टू थिंक दैट वी आर बिकमिंग बेटर. बट Are we really? क्या एक लेटेस्ट मॉडल ऑफ मोबाइल हमें बेटर बनाता है? Well, this is the question I leave for you. Tell us your opinions in the comment section below. And that's it for today. For this episode, we refer to the book The Deals That Changed the World by Jack Spareti. We'll see you in the next video. Till then, don't forget to like, share, and subscribe to the channel.